नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं अनु कपूर और आप सब महानुभावों का खैर मकदम करता हूं आपके शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे टीवी और फिल्मों में देखा होगा और सुना होगा, पर अब मैंने आपसे मिलने का जरिया बनाया है रेडियो। ये रेडियो स्टेशन है इंडिया का सबसे पॉपुलर, 92.7 बिग एफएम, और आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। अजीजमन, मैं तहे दिल से आप सभी लिसनर्स का, श्रोताओं का, सभी भाई बहनों का मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को अपने दिल में ख़ास जगह दी है। और आपके दिल में ख़ास जगह की वजह से ये प्रोग्राम नंबर वन का रेडियो शो बन गया है। ये प्रोग्राम जहाँ ये कोशिश की जाती है कि आपको वही किस्से कहानियाँ सुनाऊँ जो सच्चे हों, वही इन्फॉर्मेशन दूँ जो सही हो, फिर भी कभी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ कीजिएगा और मुझे बताइएगा ताकि मैं सही रास्ते पर चल सकूं। 30 जुलाई 1980 की लेट इवनिंग, प्रोड्यूसर डायरेक्टर जे ओम प्रकाश के फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग। एक गाना रिकॉर्ड कर चुके थे, सीढ़ियों से नीचे उतरे, 4 लाइनें बाकी थी, नीचे उतर के गाड़ी में बैठ गए, फिर ऊपर आए और जे ओम प्रकाश जी से बोले, जे ओम जी, 4 लाइनें तो बाकी हैं, कल के लिए क्यों पेंडिंग रखूं, आज ही कंप्लीट कर देता हूं। LP का म्यूजिक, आनंद बख्शी के बोल, फिल्म आसपास, ये 4 लाइनें डब की, नीचे आके गाड़ी में बैठे और घर चले गए। 30 जुलाई की रात को ही दिल का दौरा पड़ा और हिंदी फिल्म संगीत का अनमोल रत्न इस दुनिया से अपना काम पूरा करके उस दुनिया में चला गया। उस अनमोल रत्न का नाम मोहम्मद रफी। जोरदार तालियां रफी। रफी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह नाम के गांव में हुआ था, पंजाब के पास एक छोटा सा गांव है। 6 भाइयों में सबसे छोटे मोहम्मद रफी। रफ़ी साहब को गाने की इंस्पिरेशन मिली एक फ़कीर से। एक फ़कीर उनके मोहल्ले से गुजरता था, मस्त गाना गाता हुआ, पाघा वालियों नाम जपो मौला नाम, ऐसा ही कुछ होता होगा। ज़माना अलग था, 1924 का अनडिवाइडेड इंडिया, इस तरह से गलियों और कूचों में फ़कीर कुछ मौसीकी गुनगुनाते हुए निकलते थे और ये छोटा बालक रफ़ी उस फकीर के पीछे पीछे चलने लगता था गाना सुनने के लिए। और चलते चलते ही उस फकीर के गाए हुए कुछ कलाम, मौसीकी और मौसीकी के कुछ सुर इस बच्चे मोहम्मद रफ़ी के कानों में मिस्री सी खोल गए। ये कानों में उतरी हुई शीरी इसके गले में भी झलकने लगी। समय बीता और उसके कुछ दिन के बाद पिता वालिद साहब लाहौर शिफ्ट हो गए, वहां उन्होंने एक हज्जाम नाई की दुकान खोल ली। बालक रफी, फकीर से जो तबरुक मिला था, जो प्रसाद मिला था, जो अब धीरे धीरे गले में झलकने लगा, इस गले में झलकते हुए हुनर को पहचाना इनके भाई के एक दोस्त अब्दुल हमीद ने, जो बाद में इनके ब्रदर इन लॉ भी बन गए। रफ़ी साहब की फैमिली को समझाने और इनको बंबई तक पहुंचाने में अब्दुल हमीद साहब का बहुत बड़ा हाथ था। रफ़ी साहब को स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका भी बड़े ड्रामेटिक तरीके से मिला। हुआ ये कि एक बार लाहौर में महान गायक केएल सहगल साहब का शो था, अचानक साहब लाइट गुल हो गई, तो अब लाइट गुल हो गई तो स्टार केएल सहगल साहब अपीयर कैसे करेंगे, जनता शोर मचाने लगी। अब जब रफ़ी साहब के भाई थे, उन्होंने कहा भाई किसी तरह से जनता का मन तो बहलाना है, तो ऑर्गेनाइजर के पास गए कि साडा छोटा भरा है, ओ जनता दा मन बहला लेगा, है जी, दिल बहला लेगा, उन्हें गाने का मौका भी दो। ऑर्गेनाइजर ने बात सुनी और बालक मोहम्मद रफ़ी को गाने का मौका दिया। जैसे कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, भाई सुपरस्टार नहीं है तो थोड़ा सा कोई है आके मनोरंजन कर दे। इस तरह से, इस ड्रामेटिक तरीके से बालक मोहम्मद रफ़ी को पहली बार स्टेज पे गाने का मौका मिला
और जब बालक मोहम्मद रफी ने गाया था जो उस फकीर से तबर्रुक मिला था, गले से जो शीरी आवाज निकली, जो मखमली आवाज निकली, तो मोहम्मद रफी छा गए। इसी फंक्शन में हिंदी फिल्मों के एक म्यूजिक डायरेक्टर श्याम सुंदर भी मौजूद थे। उन्होंने भी रफी को सुना और इनविटेशन दे डाला बॉम्बे आने का। हिंदी सिनेमा के बड़े से बड़े हीरोज के साथ काम करने के बाद मुमताज को किस हीरो से प्यार हो गया था, किस पे आ गया ये निगोड़ा दिल, बताऊंगा वापस आकर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। वैसे मुमताज जी को इंडस्ट्री वाले कई नामों से बुलाते थे। राजेश खन्ना उन्हें प्यार से मोटी बुलाया करते थे, देवान उन्हें मुंजी बुलाया करते थे, और बहुत सारे लोग उनका निकनेम मम्मो बुलाया करते थे, मम्मो। मगर फिल्म इंडस्ट्री मुमताज का एक और नाम भूलती नहीं है, या यूं कहूं फिल्म इंडस्ट्री की कुछ और खवातीन, कुछ और लेडीज मुमताज को सौतन के नाम से बुलाया करती थी। ये वो लेडीज थी, ये वो महिलाएं थी जिनके पति मुमताज के साथ एज हीरोज काम कर रहे थे। सारी पत्नियां थी, स्टार वाइव्स थी। मामला चाहे धर्मेंद्र का हो, चाहे बात जितेंद्र की हो, और भी बहुत सारे नाम है जिन्होंने जाने अनजाने में मुमताज से अपने प्रेम का इजहार कर दिया, लेकिन मुमताज को अपने एक हीरो से हो गया प्यार, और ये भी बहुत अल्प आयु में, जो बहुत छोटी थी, वो 18 साल की थी। और हीरो ने भी स्वीकार किया है कि उन्हें भी चक्कर आ गए थे मुमताज को देखकर, प्यार का मीटर डाउन हो गया था। इन दोनों के बीच में क्या हुआ, ये कौन थे, इनका सिर्फ एक ही गाना सुनवा दूंगा तो आपको बिल्कुल याद आ जाएगा कि मुमताज का दिल किस पे आ गया था और किस हीरो का दिल मुमताज पे आ गया था। आजकल तेरे मेरे प्यार के, शम्मी जी। जी 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 जी। और शम्मी कपूर, ब्रह्मचारी की शूटिंग के दौरान शम्मी कपूर ने ये स्वीकार किया है कि मैं बहुत सीरियस हो गया था मुमताज के साथ और मैं शादी भी करना चाहता था, लेकिन शम्मी कपूर ने वही शर्त रखी कि तुम्हें फिल्में छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मुमताज के सामने अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां थी, मुमताज उम्र में भी बहुत छोटी थी, तो उन्होंने मजबूरी में इस ऑफर को, इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लेकिन ये शम्मी कपूर ने भी स्वीकार किया है और मुमताज ने भी स्वीकार किया है कि दोनों के हृदयों में प्रेम पुष्प खिल चुका था। वापस आकर बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ कि मीना कुमारी शौहर के घर पहुंची भी नहीं और उससे पहले ही तलाक की बातें शुरू हो गईं। कैसे मीना कुमारी के निकाह का पता चला और उसके बाद क्या हुआ, आप बस सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मशहूर अदाकारा फनकारा मीना कुमारी, बात निकाह तक पहुंच गई थी, अब्बा क्लिनिक में छोड़ने जाया करते थे और वहीं पर किस तरह से कमाल अमरोही वहां पहुंचे और किस तरह से उनका निकाह हुआ, बात अभी भी ढकी छुपी थी। निकाह के बाद कमाल और मीना ने अपने निकाह की बात को तब तक छुपाए रखने का वादा किया था जब तक मीना कुमारी 2 लाख रुपए अपने पिता और परिवार को ना दे दें, क्योंकि मीना कुमारी के पैसों की वजह से ही परिवार चलता था और मीना कुमारी नहीं चाहती थी कि उनके इस तरह अपने शौहर के घर चले जाने से उनके परिवार को, उनके अब्बा को, बाबूजी को, माँ को किसी भी तरह की आर्थिक समस्या का सामना करना पड़े। बात अभी तक उजागर नहीं हुई थी, ढकी छुपी थी, लेकिन एक दिन घर के नौकर ने मीना कुमारी और कमाल अमरोही की टेलीफोन पे बातचीत सुन ली और इस बातचीत का हवाला अपने मालिक अली बख्श को, यानी कि मीना कुमारी के बाबूजी को दे दिया कि बाबूजी दोनों में कुछ गड़बड़ है। अली बख्श साहब तन्ना गए। अली बख्श ने जब मीना से गुस्से में पूछा बोलो, तो मीना कुमारी झूठ नहीं बोल सकी और उन्होंने कबूल कर लिया
कि मैंने निकाह पढ़वा लिया है कमाल अमरोही के साथ। इस बात से तन बदन में आग लग गई अली बख्श को। इतने गुस्सा और इतने जलाली मूड में आ गए कि उन्होंने उसी वक्त उसी काजी को बुलाकर तलाक करवाने का मन बना लिया और कमाल अमरोही को भी इस बात के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया, तुम मेरी बेटी को तलाक दे दो, तुम मेरी बेटी को तलाक दे दो। कमाल और मीना ने इन हालातों में गो सब्र से काम लिया और चुपचाप इस बात को टालते रहे। अली बख्श ने मीना और कमाल के मिलने पर पाबंदी लगा दी। शूटिंग पे वो मीना कुमारी के साथ खुद जाने लगे और जहां तक हो सका दोनों को एक दूसरे से किसी तरह का कोई संपर्क नहीं होने दिया, टोटल बैन। उधर कमाल अमरोही जो ऑलरेडी शादीशुदा थे, उनके घर पे जब इस निकाह का पता चला तो उनकी बेगम और रिश्तेदारों ने कमाल से तलाक लेने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। अब आप देखिए, अभी भी शादी हुई थी, उधर से भी अब्बा कह रहे थे, इधर से बीवी कह रही थी। कमाल साहब की बेगम तो अपने बच्चों के साथ गांव अमरोहा चली गई। बात बात पर कमाल और मीना को अपने परिवार और समाज से ताने सुनने पड़े और इन्हीं हालातों से तंग होकर एक दिन कमाल अमरोही ने मीना को पैगाम भिजवा ही दिया, रिश्तेदारों और खानदान से जो जिल्लत मिली है, जो रुसवाई हुई है, उस वजह से हमें अपने लिए हुए फैसले पर दोबारा सोचना चाहिए और हो सके तो इस निकाह को एक भूल समझकर ख़त्म कर देना चाहिए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मीना कुमारी को कैसा लगा होगा? जी बोलिए। बहुत बुरा लगा है जी। बुरा तो लगा होगा, लेकिन आप क्या उस नई नवेली दुल्हन के हृदय में जाके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या फीलिंग होगी? आप मीना कुमारी ने कमाल अमरोही को जवाब में खत लिखा। खत में लिखा गया था कि मुझे लगता है कि आप मुझे समझ नहीं पाए और शायद कभी समझ पाएंगे भी नहीं, इसीलिए बेहतर होगा कि आप मुझे तलाक दें। दोनों के रिश्ते बनने से पहले ही बिगड़ गए। देने वाले ये तो बता दे, देगा कब तक ये बेगाने, बन जाने की राह अकेली, मिट जाने के लाख बहाने। क्या बात, ये मेरी मदर का शेर है। देने वाले ये तो बता दे, देगा कब तक देगा ये बेगाने, बन जाने की राह अकेली, मिट जाने के लाख बहाने। साहब, बट लाइफ गोज ऑन, जैसे कहते हैं ना, जिंदगी तो चलती रहती है जब तक उसे चलना होता है, जब तक इजाजत होती है उसे चलने की। कमाल अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए, मीना कुमारी अपने काम में मशगूल हो गई, लेकिन दोनों के दिल में जो मोहब्बत थी वो इतनी आसानी से तो नहीं जा सकती थी। इसीलिए अपनी शादी की पहली सालगिरह पर, फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी, जो भी डेट थी 14 फरवरी की, यानी कि 14 फरवरी वैलेंटाइन्स डे 1953 को, मीना कुमारी ने कमाल साहब को फोन किया और उस लेटर के लिए माफी मांगी। और कमाल की बात है, इस फोन के साथ ही दोनों में पैचअप होना शुरू हो गया। इस पैचअप के फौरन बाद ही मीना कुमारी ने अपने बाबूजी से कहा कि फिल्म डेरा के लिए उनके शौहर को उनकी जरूरत है, वो उनके साथ शूटिंग करना चाहते हैं। अली बख्श साहब का गुस्सा शांत कहा हुआ था और भड़क पड़े। उन्होंने कहा नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। एक लॉजिक देने की कोशिश की कि डेट्स महबूब साहब को अमर फिल्म के लिए दे रखी है, उन्हें वही शूटिंग करनी पड़ेगी। बाप बेटी में इस बात को लेकर काफी बहस हुई, मगर आखिर में मीना कुमारी बाबूजी के आगे झुक गई और हामी भर ली कि वो महबूब खान साहब की अमर फिल्म की ही शूटिंग करेंगी। मगर तकदीर का खेल देखिए कि 5 ही दिन में मीना कुमारी और महबूब खान के बीच में हो गई कुछ अनबन। और मीना कुमारी कहते हैं 4 अगस्त 1953 को महबूब खान के सेट से अपने पिता को कहकर छोड़ के आ गई कि वो महबूब खान के सेट से अपने हस्बैंड के सेट पर जा रही हैं। मीना ने जब इस तरह का विद्रोह किया तो बाप ने कहा कि तुम जा तो रही हो, तुम्हें जाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अब मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। रात को शूटिंग खत्म करके वो पहुंची, मीना कुमारी डेरा के सेट पर पहुंची अपने हस्बैंड
के सेट पर पहुंची, कमाल अमरोही के सेट पर। लेकिन पैकअप के बाद जब अपने घर पहुंची तो पिताजी ने दरवाजा नहीं खोला। साफ उन्होंने कह दिया कि बाप बेटी का रिश्ता खत्म हो गया है। मीना कुमारी ने कुछ कपड़े लिए, घर को कहा अलविदा और चल पड़ी अपने शौहर कमाल अमरोही के घर। किशोर कुमार अपने बड़े भाई अशोक कुमार के घर पर ही रहते थे और वहीं पे उन्हें मिली पहली फिल्म दादा के संरक्षण में, बड़े भाई के छत्र छाया के तले। लेकिन इसी बड़े भाई ने क्यों निकलवा दिया उन्हें फिल्म कंपनी बॉम्बे टॉकीज से, क्यों किया बड़े भाई ने? बड़े भाई की बेरुखी का राज बताऊंगा थोड़ी देर में। सुनते रहिए रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर, म्यूजिक कंपोजर, लिरिसिस्ट, स्टोरी राइटर, प्रोड्यूसर एंड ग्रेट वर्सेटाइल आर्टिस्ट किशोर कुमार। किशोर कुमार को किशोर कुमार बनाने का श्रेय, वो सपोर्ट जाहिर है अशोक कुमार को जाता है। दादा मुनि ने सहारा दिया। भाई मुझे लगता है कि आज भी बड़ा भाई, इतना कलयुग होने के बावजूद बड़े भाई छोटे भाई को सहारा देते हैं, ऐसी क्या बात है, कोई एहसान की बात नहीं है। आई एम श्योर के दादा मुनि के मन में कहीं ऐसा नहीं होगा कि मैं किशोर के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ। मेरे बड़े भाई ने भी मुझे सहारा दिया, रंजीत कपूर ने, उन्हीं की वजह से आया, उन्हीं के घर पे मैं भी रहा मुंबई में। यहीं पर पहली फिल्म, बता चुका हूँ, जिद्दी फिल्म है, मरने की दुआएं क्यों मांगू, ये गाना मिला, पहला ब्रेक मिला, काम चल पड़ा। लेकिन एक ऐसा दौर आया जब दादा मुनि इतने नाराज हो गए कि उन्हें एक सख्त स्टेप बहुत उठाना पड़ा किशोर कुमार को बॉम्बे टॉकीज से निकलवाने का। बात तकरीबन 50s की, 1950 की समझ लीजिए। धीरे धीरे एस्टेब्लिश हो रहे थे, काम थोड़ा थोड़ा मिल रहा था, बॉम्बे टॉकीज में थे। तब इनकी मुलाकात हुई रूमा गोहर ठाकुरता से, बॉम्बे टॉकीज में ही हुई थी। रूमा देवी वहाँ एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। दोनों साथ साथ मिलने बैठने लगे, मुलाकातें बढ़ीं। ये मुलाकातें प्यार में तब्दील हो गईं और एक पॉइंट पर दोनों ने डिसाइड किया कि दोनों शादी कर लेंगे। घर वालों तक जब ये बात पहुंची, खासकर किशोर कुमार के घर वालों तक, तो हंगामा मच गया। आभास कुमार गांगुली, गांगुली ब्राह्मण परिवार, और रूमा देवी ब्राह्मण नहीं थी, गैर ब्राह्मण थी। ध्यान रखिएगा, मैं बात कर रहा हूं आज से 63 साल पहले की। इस बात को लेकर परिवार में इतना मतभेद हो गया और दादा मुनि भी इतने नाराज हो गए, उन्होंने कहा मैं शादी एक्सेप्ट नहीं करता हूं। बात हद से ज्यादा बढ़ गई, किशोर ने रिबेल करना शुरू कर दिया और दादा मुनि ने गुस्से की इंतहा में आकर किशोर कुमार को बॉम्बे टॉकीज से भी निकलवा दिया और अपने घर से भी किशोर कुमार को निकाल दिया। इतनी बड़ी बात हो गई थी कि गैर ब्राह्मण लड़की के साथ तू कैसे शादी कर सकता है। रूमा देवी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो वक्त इस कपल के लिए, रूमा देवी और किशोर कुमार के लिए, सबसे मुश्किल भरा, संघर्षों भरा समय था। किशोर के पास कोई सहारा नहीं था, कोई काम नहीं था, कोई घर नहीं था। फिर भी ऐसे मुश्किलों भरे वक्त में किशोर कुमार का साथ दिया पहला ब्रेक देने वाले खेमचंद प्रकाश जी ने, और उसके बाद उनको सहारा दिया सचिन देव बर्मन ने, पूरा सपोर्ट। सचिन देव बर्मन इतना प्यार करते थे कि वो आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने किशोर कुमार के लिए किया जो कर सकते थे। ये बात किशोर कुमार सारी जिंदगी भूले नहीं, पिता के समान मान देते रहे सदैव किशोर कुमार सचिन देव बर्मन को। जब किशोर कुमार स्टार बन गए और उन्होंने बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर को नचवाया, तब भी सिर्फ सचिन देव बर्मन एक वो शख्सियत था जिसके बारे में कहा जाता था कि किशोर कुमार बिल्कुल सीधे होके उनके स्टूडियो में एंटर करते थे, नो शरारत, नो नटखट, नो मस्ती। सचिन देव बर्मन का बहुत अहम रोल है किशोर कुमार द स्टार की लाइफ में।
सचिन देव बर्मन की वजह से किशोर और उनकी पत्नी रूमा देवी ने पहली बार हवाई यात्रा की मद्रास की। सचिन देव बर्मन की वजह से ही किशोर कुमार को मिली फिल्म बहार, जिस वजह से उनकी एंट्री हुई मद्रास के स्टूडियो एवीएम प्रोडक्शंस में, जिसके लिए बाद में न सिर्फ उन्होंने बहुत सारे गाने गाए, एज एन एक्टर भी बहुत कुछ काम किया। ये बहार फिल्म के अंदर मुख्यतः शमशाद बेगम के गाने हैं। वो कौन सा हीरो था जो साधना को पापा कह के बुलाता था? किसने साधना जी के संडे के काम को ना करने का रूल ब्रेक किया? साधना के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे ही रोचक किस्सों के बारे में बताऊंगा थोड़ी देर में। सुनते रहिए रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। वैसे तो साधना जी ने अपने समय के सभी बड़े बड़े हीरोज के साथ काम किया है, शम्मी कपूर, सुनील दत्त, मनोज कुमार, जॉय मुखर्जी, पर उनके फैंस उन्हें सबसे ज्यादा राजेंद्र कुमार के साथ देखना पसंद करते थे। ये कुमार साहब मैं बता चुका हूं, उनके बहुत अच्छे दोस्त भी थे। हालांकि साधना जी को खुद अपनी जोड़ी शम्मी कपूर और सुनील दत्त के साथ ज्यादा जमी, क्योंकि दोनों ही कलाकारों के साथ खूब खुल के बात होती थी, मस्ती मजाक चलता रहता था, जबकि उनके एक और साथी कलाकार मनोज कुमार जी इससे बिल्कुल अलग थे। साधना को कई सालों के बाद 1963 में एक बार फिर से राजेंद्र कुमार के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म थी मेरे महबूब। एचएस रवेल साहब यानी कि राहुल रवेल जी के पापा इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। मेरे महबूब की मेकिंग के दौरान साधना से जुड़ी कई घटनाएं हैं। साधना जी की मम्मी राजेंद्र कुमार की बहुत बड़ी फैन थी और वो रोज राजेंद्र कुमार से सेट पर पूछा करती थी, बेटा कल क्या खाओगे? और उनका जवाब होता था, कुमार साहब का जवाब होता था, माता जी आप हमें सिंधी खाना तो खिलाती ही नहीं। और इस तरह दोनों की शूटिंग के दौरान खाने का मेन्यू हमेशा राजेंद्र कुमार की पसंद का होता था। मेरे महबूब की शूटिंग कभी टाइम के हिसाब से नहीं हो पा रही थी। मेरे महबूब की शूटिंग का शेड्यूल जो था वो थोड़ा सा अपसेट हो रहा था, एक्सटेंड करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से साधना से फिल्म के प्रोड्यूसर रवेल साहब ने पूछा कि क्या हम संडे को काम कर सकते हैं। साधना जी ने उन्हें डेट को एडजस्ट करने का ऑफर दिया कि संडे नहीं मंडे कर सकती हूं, पर रवेल साहब न जाने क्या कारण था कि संडे की ही जिद कर रहे थे। साधना जी ने फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया, संडे को मैं शूटिंग नहीं करूंगी। रवेल साहब को समझ में नहीं आया कि क्या करें, तो मजबूर होकर वो पहुंच गए राजेंद्र कुमार साहब के पास और उन्हें कहा किसी तरह से भी जो करना है करो, लेकिन साधना को मनाओ कि वो संडे को शूटिंग करने के लिए राजी हो जाए। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे हीरो हीरोइंस रहे जो बड़े डिसिप्लिन रहे, शशि कपूर साहब का नाम याद दिलाना चाहूंगा। शशि जी भी किसी जमाने में संडे को बिल्कुल शूटिंग नहीं किया करते थे। तब राजेंद्र कुमार जी ने साधना को मनाने का फैसला किया, उनसे मिले और बोला, पापा क्या कर रहे हो यार, चलो ना इस संडे को भी शूट करते हैं। राजेंद्र कुमार ही वो हीरो थे जो प्यार से साधना को पापा कहते थे। पापा क्या जमाना था लोगों का। जैसे मैंने आपको बताया ना कि याद दिलाना चाहूंगा कि आशा पारेख जी और शम्मी जी ने दो तीन फिल्मों में साथ काम किया। आशा पारेख शम्मी जी को चाचा कह के बुलाया करती थी, लेकिन आज जन्मदिन मना रहे हैं साधना जी का, तो साधना जी को राजेंद्र कुमार जी पापा कहकर बुलाते थे। और इन्हीं राजेंद्र कुमार जी के रिक्वेस्ट करने पर पापा ने, कुमार साहब के पापा यानी साधना जी ने अपना रूल तोड़ दिया, नियम कायदे तोड़ दिए कि संडे को शूट नहीं करूंगे, और रवेल साहब की फिल्म मेरे महबूब की शूटिंग करने के लिए राजी हो गए। शो के आखिरी पार्ट में बात करेंगे सुनील दत्त के राजनीतिक जीवन की और जानेंगे कि टेररिस्ट के निशाने पर होने के बावजूद क्यों नहीं डरे सुनील दत्त। सुनते रहिए रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनील दत्त उन चंद ईमानदार सच्चे लोगों में से थे जो बगैर ढोल पीटे
बगैर तमाशा क्रिएट किए, बगैर किसी को जताए थोपे बिना समाज सेवा और देश सेवा में जुटे रहे। भारत चीन की 1962 की वॉर, जिसमें हुई भारत की हार। इस युद्ध के बाद सुनील दत्त ने अपने फिल्मों से होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा शहीदों और जवानों के घरों में देना शुरू कर दिया था। सुनील दत्त भारत की अलग अलग सीमाओं पर जाते और सैनिकों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाते, उनके लिए कई मनोरंजक शोज भी करवाते थे। उनके इन्हीं कार्यों से खुश होकर भारत सरकार ने उन्हें 1968 में ही पद्मश्री से अलंकृत किया। 1984 में तो सुनील दत्त जी बाकायदा चुनावी राजनीति में उतर आए और उन्होंने नॉर्थ मुंबई से तब चुनाव लड़ा। जब जब चुनाव लड़ा तब तब वो जीते। 1987 में तो इन्होंने अपनी हिम्मत का परिचय दिया। आतंकवाद अपने पीक पे था जब सुनील दत्त ने फैसला किया कि बंबई से अमृतसर तक वो पद यात्रा करेंगे। उनके इस ऐलान के बाद उन्हें धमकियां मिलने लगी पंजाब के आतंकवादियों से, पर वो डरे नहीं। उन्होंने बंबई से अमृतसर तक सद्भावना और शांति के लिए पदयात्रा की और साबित कर दिया कि वो अपने इरादे के कितने पक्के हैं और सोशल कॉजेस के लिए, अपने देश के लिए कितने डेडिकेटेड हैं। फिल्मों में रहते हुए भी सुनील दत्त ने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को कभी नजरअंदाज नहीं किया। सुनील दत्त अपने आदर्शों और उसूल के पक्के थे। जब संजय दत्त टाडा के केस में जेल में थे तो सुनील दत्त ने आने वाला इलेक्शन नहीं लड़ा, क्योंकि ऐसा करना उनके उसूलों के खिलाफ था। संजय के जेल से आजाद होने के बाद उन्होंने फिर चुनाव लड़ा और फिर जीते। इस बार तो उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया। इस तरह फिल्मों और राजनीति दोनों में ही नाम कमाने के साथ साथ इज्जत कमाई और नई मिसाल कायम की। मैं दत्त साहब के बारे में इतना कह सकता हूं, मैंने सौभाग्य प्राप्त किया है उनके साथ इंटरेक्ट करने का, थोड़ा सा ही था लेकिन किया है। बहुत ही कमिटेड और डेडिकेटेड आदमी था। हमारी इस फिल्म इंडस्ट्री को सुनील दत्त जैसे लोगों की जरूरत है, अनप्रटेंशियस, ईमानदार, सच्चे। 25 मई 2005 को दत्त साहब चले गए। सेंटा क्रूज में उनका शरीर पवित्र अग्नि को समर्पित कर दिया गया। बड़े बड़े राजनेता आए थे, पूरी फिल्म इंडस्ट्री वहां पे थी। 25 मई 2005, ईश्वर सुनील दत्त की आत्मा को शांति दे, यही प्रार्थना है। और दत्त साहब के ऊपर पिक्चराइज गीत हम सुनाते रहें, आप सुनते रहें, हम सब गुनगुनाते रहें और याद करते रहें भारत माता के उस सच्चे सपूत को, इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।